G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। विपक्ष पर वार करते हुए कहा, भ्रष्टाचार करने पर जेल में डाल रहे तो हैं परेशान। एशियन गेम्स में तीसरे दिन भारत के खाते में अब तक 1 गोल्ड सहित 3 मेडल्स। घुड़सवार टीम ने भारत के लिए इतिहास रचते हुए जीता गोल्ड मेडल। दिल्ली के जंगपुरा में शोरूम की दीवार तोड़कर 25 करोड़ रुपए उड़ाए, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद के लिए चली सुनवाई। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। भूमि पूजन से शुरू हुई रामलीला की तैयारियां, चंद्रयान और G20 की भी दिखेगी झलक। 15 अक्टूबर से शुरू होगा रामलीला। पीएम मोदी ने किया देवानंद को याद, तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, सिनेमा के लिए उनका जुनून बेजोड़। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी। 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा कानून और LPG सब्सिडी स्कीम की करेगी समीक्षा। फिजूल खर्ची और चोरी रोकने के लिए लिया गया फैसला। बैंकिंग और IT स्टॉक में बिकवाली के चलते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैंप 318.28 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा।